Hey guys, welcome back to our new vlog, दृष्टि पर lifestyle. तो आज है वर्ल्ड कप फाइनल जो कि है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का. तो आप क्या बोलते हो, क्या कौन विन होगा? इंडिया. I also win India. हालांकि कल से मैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कर रही थी, बट वो ऐसे ही कि शायद उल्टा हो जाए कभी. घर पे तीन लोग इंडिया के सपोर्ट में, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का बोला कि शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाए. पर मैं पूरा सपोर्ट तो मैं इंडिया को ही करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इंडियन हूँ. तो अब देखते हैं गाइस कौन जीतता है. अभी मैच स्टार्ट होने वाला है 12:30 हमारे दुबई के टाइमिंग के हिसाब से. अभी 12 हो रहे हैं, हम फटाफट सब कुछ निपटा के फिर आराम से बैठ के देखेंगे. मैं ऑस्ट्रेलिया को खाली सपोर्ट कर रही हूँ, पर मैं हेल्प हूँ तो इंडिया ही ना. आज क्यों कर रही हो? मेरे को लग रहा है इनकी स्कोर कम होना है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जीतेगी. सच भी ना बोले, सच भी ना बोले. यहाँ फिर हमने एक इंस्टाग्राम पर रील बनाई जो कि इंडिया टीम को सपोर्ट के लिए थी. आप मेरे इंस्टा अकाउंट चांदनी लवानी मिर्चंदानी पर देख सकते हैं. हम चारों ने बहुत फनी ली ये बनाई, बट हमको बहुत अच्छा भी लगा कि शायद होप थी कि इंडिया जीत जाए, और एंड तक भी होप थी बट सर. बेटा मैं तुमको मोटिवेट कर रही थी ताकि तुम इंडिया के लिए हाँ ये प्रे करो. जीतू दिया भी चला के गए. मेरी माता रानी कितनी अच्छी लग रही थी. यहाँ पे हमारे मैच की हालत खराब होते हुए. कुछ कहना चाहेगा? मम्मी खुश है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीत रही है. नहीं नहीं, मैं सपोर्ट तो इंडिया को ही कर रही हूँ, ऐसे भी गट फीलिंग थी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी. सच में सपोर्ट तो मैं इंडिया की हूँ, मैं तो चाहती हूँ अभी भी इंडिया जीते, पर मेरी गट फीलिंग होती है. आज क्या इंडिया का सपोर्ट कर रही है क्या? अरे इंडिया ज़्यादा कर रही है. हाँ यार, तो 95 पे 50 रन ही चाहिए. अब ऑस्ट्रेलिया के जीतने के ज्यादा चांस है. निशिता अब ये टी शर्ट के पैसे फालतू वेस्ट गए. अभी कोई बात नहीं, क्या करें. दृष्टि क्या हो गया, रो रही है? दीपू दृष्टि रो रही, इंडिया आने वाली है. दीपू की खुद की हालत टाइट है. गाइस ये क्या हो गया, ये तो हमारे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए. ये इनके भी, ये इसके भी दिल के अरमा आंसुओं में गए. अभी भी होप है इसको. तो बिल्कुल होप रख के फायदा ही नहीं, अब तो ये बच्चा भी बना ले 72 पे 27 रन. तो बना ले, क्या पता भगवान जादू कर दे, विकेट कर दे. ये कृष्ण भगवान बैठे हुए कुछ कर सकते हैं? देखो इनको थोड़ा बीच में रख दे, देखो बीच में रख दे. यार तो सेट फॉर इंडिया से लेके इस फाइनल के शिखर तक अहमदाबाद में आज की शाम दिया है अंजाम. रेपुटेशन पे खड़े उतर के ऑस्ट्रेलिया के दम पे, बहुत प्राउड की बात होगी ना, इंडिया में आके इंडिया को बता दिया.
2011 से वो ट्रेंड शुरू हुआ था कि घर में आप विश्व कप जीतेंगे, वो चला 2019 तक, उसे खारिज किया ऑस्ट्रेलिया की ये मजबूत टीम ने, भारत का, भारतीय फैंस का ये विश्व कप जीतने का तीसरी बार सपना तोड़ा। निराश है फैंस, और क्यों ना, क्योंकि उस तरीके से पूरे साल बिचारे, उस तरीके से पूरे विश्व कप में, ये विश्व कप में ये भी हमारे बिचारे था भारतीय की टीम में, लेकिन आज की शाम उनके नाम नहीं, परेशान है, दुखी है, ये वाली बेटा दुखी है, जो डोमिनेट करते आए, ये टीम मिलते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई जिसे स्वीकारेंगे कि आज की इस फाइनल की शाम ऑस्ट्रेलिया बेहतर टीम थी और ऑस्ट्रेलिया कहलाई जाएगी विश्व चैंपियंस अगले 4 सालों तक। बहुत उम्मीद थी, इतने मैच खेले, इतने विश्व कप में सेमीफाइनल में बाहर हुए थे, उसके बाद खेलने का अंदाज बदला, इसीलिए उम्मीद भी बदली थी भारतीय फैंस की। बहुत निराश है, आंखें नम है, और क्यों ना महसूस कर सकते हैं वो आंखें नम। 300 होगा ना स्कोर तो मजा आ जाता है। अरे यार दीपू, शिट, इस टीम को तैयार किया था, रो रहा है यार दीपू, ये तो इस टीम का मार्गदर्शन किया था वो बल्लेबाज, वो कप्तान जिसने इस पूरी प्रतियोगिता में हर एक भावना को छुपा के रखा था। आज ये पल ये स्वीकारना आसान नहीं, इन आंसुओं को रोकना आसान नहीं, बहुत शायद ड्रेसिंग रूम में वहां की गुमनामी में जिसे पीछे मुड़ के देखेंगे उसमें बहुत खुशियों के पल बिखेरे इस भारतीय टीम ने, लेकिन आज की शाम सामने एक बार फिर अपनी जिद लिए अड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। पहली 2 मैचेस हारने के बाद इन कंगारों ने बहुत बड़ी छलांग लगाई, सीधा बने विश्व चैंपियन, किसी ने भी मौका नहीं दिया था, शुरुआत में लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई भी ना हो, लेकिन चैंपियन बनी। विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाए इस विश्व कप में, वो ट्रॉफी लेके जाएंगे, लेकिन विश्व कप की ट्रॉफी इनके हाथ नहीं आएगी एक और बार। 2011 की रिपीट की उम्मीद जरूर थी पूरे भारतवर्ष की। गाइस मेरे को भी बहुत अफसोस हो रहा है, तो यार सच में अनुष्का भी रो रही है यार, शिट। पर आज तो हर इंडियन के आंखों में आंसू होंगे सच में, अगर जो स्टेडियम में उनके तो ज्यादा होगा क्योंकि उनने लाइव सब कुछ देखा है। हालांकि अब तो दुख मुझे भी बहुत आ रहा, मजाक एक अलग बात है कि मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ या उसको सपोर्ट कर रही हूँ, पर हालांकि हैं तो हम इंडियन ही ना। मोहम्मद सिराज, ये भी रो रहा था बेचारा, अभी भी रो रहा है। शार्दुल ठाकुर, अरे विराट को भी बुलाओ ऊपर, अभी तो कैप्टन विराट है ना। अरे दे रहे यार, यहाँ पे विराट खड़ा होता सबसे बड़े बात। वो छठी बार विश्व कप का ताज, विश्व कप की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम, बड़े मंच पे आते हैं, रेपुटेशन लेके आते हैं, और रेपुटेशन कायम की है ये फाइनल को, इन बड़े हाई प्रेशर मुकाबलों को अपनी जिद के साथ, अपने क्रिकेट के साथ, अपनी काबिलियत के साथ जीतने के, भारत में आके ऑस्ट्रेलिया के नाम 2023 की ICC विश्व कप प्रतियोगिता वर्ल्ड चैंपियंस छठी बार दो मुकाबले में कप्तानी की थी इस प्रतियोगिता से पहले, शुरुआत में आलोचना हुई थी, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे गया उनकी कप्तानी में निखार आया, और आज शायद एक कदम भी गलत नहीं रखा।
चेहरे बदले हैं, कप्तान बदले हैं, लेकिन इसी ट्रॉफी के साथ ऑस्ट्रेलिया की ये पीली जर्सी डाले आपने बहुत बड़े बड़े दिग्गज देखे हैं। और आज एक बार फिर से छठी बार 13 एडिशन इस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के जिनमें 6 बार चैंपियन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की ये टीम। विरासत है ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की जिसे आज कायम रखा है पैट कमिंस।